इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों ने छात्र संघ भवन पर विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया। छात्र नेता हरेंद्र यादव ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देश के कोने कोने से विशेषता ग्रामीण परिवेशों से छात्र छात्राएं अपने उज्जवल भविष्य की कामना लिए यहां पर आते हैं, प्रवेश परीक्षा पास करने के उपरांत दाखिला लेते हैं। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तुगलकी फरमान जारी करते हुए पिछले दिनों 400% फीस वृद्धि कर दी है इलाहाबाद। हमारी मांग है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो 400% फीस वृद्धि की गई वो वापिस हो, उसी को लेकर आज हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बुद्धि शुद्धि यज्ञ करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि देने की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो प्रशासन है जो ये नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने वाले ज़्यादातर छात्र या किसान परिवार तालुक से मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, ये जब अगर 400% फीस बढ़ जाएगी तो ये छात्र मजदूर का बच्चा जो यहाँ पढ़ ले रहा है उसके लिए आने वाले समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय रास्ते बंद हो जाएंगे। उस बचाने के लिए हमने आज सद्बुद्धि यज्ञ किया है। हमारी भगवान से ईश्वर से प्रार्थना है कि महादेव इनको सद्बुद्धि दे, संगीत श्रीवास्तव जी को सद्बुद्धि दे। हमारे जो चीफ प्रांत है जो छात्रों के ऊपर हमला करते हैं, छात्रों को गला गलाने काम करते, 307 का आरोपी है, मैं खुद गवाह हूँ, मैंने 307 का इनके ऊपर FIR दर्ज कराया था, दर्ज हुआ है, आज तक कार्यवाही नहीं हुई। इसके लिए भी हम जिला प्रशासन की सद्बुद्धि की भी मांग करते हैं कि सद्बुद्धि इनको भी दे कि इनके ऊपर जो आरोपी खुले में घूम रहे इसकी गिरफ्तारी हो और छात्रों के साथ न्याय हो। और हमारी हमने आज जो शपथ ली है कि जब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गला घोटू चीफ प्रॉक्टर और यहाँ के जो प्रशासन जो 400% वृद्धि किया है ये वापस नहीं होती, तब तक हमारे यहाँ संघर्ष जारी रहेगा, हमारी यहाँ लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, लगातार जिस तरह से छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा, लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस को, पढ़ाई के शिक्षा के उस संस्थान को पुलिसिया ट्रेनिंग बना दिया गया है। लगातार पुलिस प्रकरण द्वारा छात्रों को उत्पीड़न किया जाता है और फीस वृद्धि जिस तरीके से एक छात्र अपनी आशा और अपने विश्वास को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लेके आता है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा तो मैं IAS और PCS बनूंगा, लेकिन वह विश्वविद्यालय गरीब परिवार से आता है, अपने आजीविका को चलाने के लिए ये होता है, उसकी एक मंशा होती है कि कम फीस वृद्धि में मैं अपने आप को स्टैगलेट कर जाऊंगा। उसी तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 400% फीस वृद्धि की है, उसके विरोध में आज सभी हम सभी छात्रों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति महोदया को ईश्वर सद्बुद्धि दे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय उन तमाम छात्रों के उत्पीड़न का वो हो। और शपथ हम लोगों ने जो शपथ लिया है ये मानना होता है, ये हमारे पूर्वजों ने बताया है कि जब शपथ ली जाती है तो उसको हम लोग पूरा करते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हम ये बताना चाहते हैं कि आज इस यज्ञ में हम लोगों ने उस यज्ञ की आहुति में शपथ लिया है कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि वापस नहीं ली जाती है तो यही छात्र हुजूम सड़क से लेकर सदन तक अपनी बातों को मनवाएगा और आंदोलन के लिए, क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बाध्य होगा।